लोकसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन अभी तक से एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग वाला फार्मूला नहीं सुलझा। साथियों बता दें कि चिराग पासवान को हाजीपुर सीट समेत लोकसभा की 5 सीटें मिल गई है, लेकिन पशुपति पारस तभी से नाराज चल रहे हैं एनडीए गठबंधन से। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आंख दिखा रहे हैं कि हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अभी तक से पशुपति पारस का कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, और बता दें कि पशुपति पारस बीजेपी छोड़ सकते हैं। साथियों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ पशुपति पारस ने 2014 से गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस एनडीए से अलग हो सकते हैं। साथियों बता दें कि पशुपति पारस का खेमा आरजेडी के संपर्क में है। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं न कहीं ये साबित कर दिए, बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं पशुपति पारस कि गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। पशुपति पारस ने बताया कि मेरे लिए सभी दरवाजे खुले हुए हैं। कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव जी के भी संपर्क में है। हो सकता है कि एनडीए में एक बहुत बड़ी टूट हो जाए। साथियों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोनों पासवान परिवार को एक करने में लगी हुई है, लेकिन चिराग पासवान इस पर राजी नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ उन 5 सांसदों ने बगावत करके अलग पार्टी बना ली थी। कहीं ना कहीं चिराग पासवान को बहुत बड़ा धोखा मिला था उसमें। चिराग पासवान उन लोगों के साथ जाना बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मुश्किलों में पड़ सकती है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें हो गई। साथियों इसमें आप सभी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।